खबर महाराजगंज रायबरेली से है, जहां कस्बा क्षेत्र बावन बुजुर्ग बल्ला में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पंकज गुप्ता ने बताया कि इसके स्थापना 1993 में चैत्र माह में सुखदेई अपने पति के स्मृति में शीतला माता मंदिर की स्थापना कराई। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पंकज गुप्ता के नेतृत्व में 32 वर्षों से भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है और आगे भी इसी तरह से कार्यक्रम चलता रहेगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा मंडल महामंत्री नवनीत मौर्य, हरीश मिश्रा, विनीत मिश्रा, अमित चौरसिया, कन्हैया मिश्रा, राजू सिंह, पुनेलाल मिश्रा, रामहेत मौर्य, प्रेम शंकर, बंसी मौर्य आदि लोगों ने माता रानी के हजारों भक्तों को प्रसाद वितरण किया। आप अपना परिचय दीजिए। मैं पंकज गुप्ता, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बावन बुजुर्ग बल्ला। आज माता जी के दरबार में जो भंडारे का कार्यक्रम हो रहा है, कितने वर्षों से हो रहा है? देखिए, इस मंदिर की स्थापना जो है सन 1993 में चैत्र माह में सुखदेई पत्नी दया दी अपने पति की स्मृति में उन्होंने इस माता जी के मंदिर का निर्माण कराया था। उनको प्रेरणा देने का कार्य इस गांव के पूर्व प्रधान श्री कृष्ण गुप्ता उर्फ ललऊ और हीरा लाल गुप्ता, वो भी पूर्व प्रधान रहे हैं, इन दोनों की प्रेरणा से उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया, माता जी की मूर्ति की स्थापना कराई। और चैत्र माह में स्थापना होने के बाद शरद नवरात्रि 1993 से ये कार्यक्रम, इसमें पूजन कार्यक्रम और भंडारे का कार्यक्रम लगातार चल रहा है और इस बार ये 32वां पूजन कार्यक्रम और भंडारे का कार्यक्रम जो हो रहा है लगातार 32 वर्षों से अनवरत चलता रहा। ये माता जी की कृपा है और गांव वालों का आप सबका आशीर्वाद है कि ये कार्यक्रम जो है बिना किसी रुकावट के आरती, शाम को आरती, उसके बाद मंगल गीत और तो महिलाओं द्वारा और नौ दिन में किसी भी दिन एक दिन भंडारे का कार्यक्रम किया जाता है। इसमें लगभग हजारों की संख्या में बच्चे प्रसाद पाते हैं, बड़े भी पाते हैं और माता जी का आशीर्वाद लेकर यहाँ से जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि 32 वर्षों से लगातार एक। रायबरेली से अरविंद मौर्य की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।